हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ कैट जी। लास्ट क्लास में हम लोग गॉस लॉ के बारे में काफ़ी कुछ सीख रहे थे। आज के क्लास में हम लोग गॉस लॉ को ही दोबारा से फॉर्मली सीखेंगे और उसी पर बेस्ड कई सारे कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चंस को हैंडल कर रहे होंगे। तो देखिए, सबसे पहले गॉस लॉ। तो गॉस लॉ क्या है, इस बात को एकदम अच्छे से डिटेल में अपने नोटबुक में आप मेंशन करेंगे समझने के बाद, कि अगर कोई भी इस तरह से क्लोज्ड सरफेस होगा, एक एक वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर कोई भी एक क्लोज्ड सरफेस S होगा तो इस सरफेस से लिया जाने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स, अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज्यादा कुछ नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड का डॉट प्रोडक्ट जो हम पिछले क्लास में देख रहे थे डीएस यानी सरफेस एलिमेंट के साथ, इसके साथ लिया जाने वाला डॉट प्रोडक्ट इतने पूरे को एक साथ कहा जाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो एक काम करिए, सबसे पहले लिख लीजिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हेडिंग दो और उसके बाद गॉस लॉ के अंदर में पहला पॉइंट है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ एनी इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद एरिया एलिमेंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स हुआ, इसका SI यूनिट क्या रहेगा, ये एक स्केलर क्वांटिटी होगा या फिर वेक्टर क्वांटिटी होगा, तो ये एक स्केलर क्वांटिटी होगा और इसका जो SI यूनिट होगा बड़े आसानी से बताया जा सकता है कि न्यूटन पर कूलम, एंड देन न्यूमरेटर में लिखा हुआ है मीटर स्क्वायर, ये हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट। इस पर डिटेल में हम लोग पिछले क्लास में ऑलरेडी देखे हुए थे, हम लोग डायरेक्ट अभी काम की बात करना शुरू करेंगे। तो इस क्लोज्ड सरफेस पर हर जगह पर आप डीएस वेक्टर्स ऐसे करके बनाते हो, ढेरों ऐसे करके डीएस वेक्टर्स बनाते हो और इन सभी डीएस वेक्टर्स से डॉट प्रोडक्ट लेते हैं आप किसका, तो उसी जगह पर मौजूद इलेक्ट्रिक फील्ड का। ये सभी डीएस वेक्टर्स हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर कुछ रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां भी कुछ रहा होगा, यहां भी, यहां भी, तो इन सभी जगहों पर इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो कहलाएगा इस जगह पर का फ्लक्स, इस जगह पर का नहीं, इस सरफेस के थ्रू जो फ्लक्स है वो निकल के आएगा यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड का डॉट प्रोडक्ट डीएस के साथ। फिर यहाँ पर ई डॉट डीएस लेंगे तो इस सरफेस का फ्लक्स आएगा, इस सरफेस का भी फ्लक्स निकालेंगे, फिर इस सरफेस का भी फ्लक्स निकालेंगे और कुल मिला के फिर ऐड कर देंगे सारे फ्लक्सेस को। तो इसी बात को हम लोग लिखने की कोशिश करेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में मैं आपको बताया पहले। तो अब बात यह है कि किसी भी क्लोज्ड सरफेस पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का सरफेस इंटीग्रल करें, लिखने का तरीका, इलेक्ट्रिक फील्ड का सरफेस इंटीग्रल लिखने का यह तरीका, ठीक। अब इसी को कहा जा सकता है कि टोटल फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ अ क्लोज्ड सरफेस, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ अ क्लोज्ड सरफेस। यहाँ पर सरफेस का नाम लिखना जरूरी रहता है कि कौन सा सरफेस से आप बात कर रहे हैं, यहाँ पर दिखाए हुए सरफेस S पर की बात कर रहे हैं। तो आखिर गॉस लॉ क्या है, गॉस लॉ यही है मात्र कि नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कमिंग आउट थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इक्वल्स टू क्यू एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू एनक्लोज्ड का क्या मतलब है, यहां पर क्यू एनक्लोज्ड का क्या मतलब है, तो वो चार्ज जो कि इस क्लोज्ड सरफेस के अंदर में है, इस सरफेस के द्वारा घेरा हुआ चार्ज, इसका मतलब है क्यू एनक्लोज्ड। बाहर के चार्ज से कोई फर्क नहीं पड़ता इस दिए हुए वैल्यू को, ये दिया हुआ वैल्यू रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड का डॉट प्रोडक्ट प्रत्येक छोटे छोटे सरफेस डीएस पर लिए जाने के बाद किया जाने वाला सम। इसको कहने का तरीका दो है, पहला तरीका नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ई डॉट डीएस का मतलब फ्लक्स, अब नेट कर दिए मतलब अलग अलग निकाल के ऐड कर दिए, यानी कि नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस,
क्लोज्ड वाला वर्ड यहां पर रिप्रेजेंटेड है देखो सर्कल से, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कमिंग आउट थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इक्वल्स टू चार्ज एनक्लोज्ड विद इन द सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, यही है गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या है, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कमिंग आउट थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इक्वल्स टू चार्ज एनक्लोज्ड विद इन द सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो जो आप स्टेटमेंट लिखेंगे उसके तुरंत बाद फिर यह फॉर्मूला भी मेंशन करना जरूरी है। यहां पर क्यू एनक्लोज्ड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यह भी जरूर लिख दो। क्यू एनक्लोज्ड रिप्रेजेंट कर रहा है चार्ज एनक्लोज्ड विद इन द क्लोज्ड सरफेस एस, यह था गॉस लॉ। गॉस लॉ का आखिर जरूरत क्या है वो हम लोग सीखेंगे एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ के नाम से, लेकिन उससे पहले कुछ और बातों को सीख लिया जाए। क्वेश्चन लिखिए, फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस एस, फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस एस। मैं बार बार सरफेस बना दूंगा, उस सरफेस से आपको बताना होगा कि नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है। देखिए सबसे पहला पार्ट है क्वेश्चन का, ये रहा वो सरफेस, सरफेस एस। यहां पर एक प्लस क्यू का चार्ज है, यहां पर प्लस टू क्यू का चार्ज है, यहां पर माइनस क्यू का एक चार्ज है, यहां पर प्लस फाइव क्यू का एक चार्ज है, यहां पर माइनस थ्री क्यू का एक चार्ज है। ये माइनस क्यू था और ये जो घेरा हुआ सरफेस बताया जा रहा है यही है सरफेस एस। इस सरफेस एस के थ्रू बताइए टोटल फ्लक्स कितना पास कर रहा है, नेट फ्लक्स थ्रू द सरफेस एस। आप डायरेक्ट बोलेंगे यूजिंग गॉस लॉ, नेट फ्लक्स, नेट फ्लक्स को लिखने का तरीका फाइव ही है। मैं यह सम्मान के चल रहा हूं कि आपने कुछ तो पढ़ाई किया है इस क्लास के पहले, ठीक। तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस क्लोज्ड सरफेस इक्वल्स टू नेट चार्ज एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, यही तो गॉस लॉ है। आप इस इक्वेशन के पहले लिख सकते हैं यूजिंग गॉस लॉ डायरेक्ट ये इक्वेशन पर। तो इक्वेशन में आएगा क्या, तो 2q प्लस q माइनस q और बाहर वाले चार्ज को तो गिनना ही नहीं है। फाइनल आंसर 2q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, यही आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का, सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का। देखो आसान सा क्वेश्चन है, अभी भी ये एक स्फीयर है, स्फीयर का रेडियस दिया हुआ है r के बराबर और ये स्फीयर ही वो सरफेस s है, ठीक। अब लिखा क्या है कि ये एक रॉड है ऐसे करके और इस रॉड पर मौजूद है यूनिफॉर्म चार्ज, बराबर बराबर चार्ज फैला हुआ है पूरे इस रॉड पर कुछ इस तरह से कि चार्ज पर यूनिट लेंथ दिया हुआ है सपोज लैम्डा, चार्ज पर यूनिट लेंथ लिखा हुआ है लैम्डा। लीनियर चार्ज डेंसिटी भी कहा जाता है इसे, इसका सीधा मतलब है चार्ज पर यूनिट लेंथ। और एक लास्ट इंफॉर्मेशन ये दिया हुआ कि ये जो स्फीयर का सेंटर है उस सेंटर पर रॉड का वो पोर्शन जो कि सरफेस के अंदर है वो एंगल सबटेंड कर रहा है 90 डिग्रीज। अगेन सिंपल क्वेश्चन, वेरी सिंपल क्वेश्चन, आपको बस ये बताना है कि सरफेस एस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स कंस्टिट्यूटेड है। आप आंसर लिख लिए होंगे इतने देर में। सरफेस एस से कंस्टिट्यूटेड फ्लक्स कैसे लिखा जाएगा, तो हम लोग गॉस लॉ का डायरेक्ट यूज कर रहे होंगे। गॉस लॉ के मुताबिक नेट चार्ज एनक्लोज्ड विद इन द सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट हमारा आंसर है। तो नेट चार्ज एनक्लोज्ड विद इन द सरफेस मतलब ये वाले चार्ज की मैं बात कर रहा हूं, सिर्फ यही वाला चार्ज इंपॉर्टेंट है। वो चार्ज आखिर है कितना, तो लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय दैट मच ऑफ लेंथ। दिस लेंथ कैन इजिली बी इवेल्युएटेड एज आर रूट टू। पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लो, और भी कई तरीके हैं। तो लैम्डा इंटू रूट टू आर, दिस इज द नेट चार्ज एनक्लोज्ड विद इन द सरफेस देन डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, यही नेट फ्लक्स हुआ। नेट फ्लक्स को अक्सर कैपिटल फाइ से ऐसे करके रिप्रेजेंट किया जाता है। आई होप सभी कर पाए।
चलिए थर्ड वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ सकता है शायद। थर्ड पार्ट लिखिए क्वेश्चन का, थर्ड पार्ट है क्वेश्चन का कि ध्यान से सुनना, ये एक हेमिस्फीयर है, ये एक हेमिस्फीयर है पहले तो। अच्छा, इसके बाद फिर ये हेमिस्फीयर का जो सरफेस है ना, ऐसे सरफेस एस, ये जो कर्व्ड सरफेस है यही है सरफेस एस। और हेमिस्फीयर है तो ऑब्वियसली इसका कुछ ना कुछ बेस रहा होगा, लेकिन वो बेस खाली है। मतलब समझिए, सरफेस एस मैं किसे नाम दे रहा हूं, तो ये हेमिस्फीयर है ऐसे करके, ये जो कर्व्ड पोर्शन है और ये एक फ्लैट पोर्शन है, तो फ्लैट वाला सरफेस तो है ही नहीं मेरा एस, ये ओपन है यहां से, यहां से ये खाली है नीचे में, इसका बेस है ही नहीं इस सरफेस का, और ये जो कर्व्ड सरफेस है इसी का नाम रखा गया सरफेस एस। तो मुझे ये समझाओ कि क्या भाई ये क्लोज्ड सरफेस है क्या, क्या ये कोई क्लोज्ड सरफेस है? तो नहीं, ये कोई क्लोज्ड सरफेस नहीं है। अब क्या है कि ठीक इसके सेंटर पर यहां पर चार्ज क्यू रखा हुआ है, इसके सेंटर ऑफ मास के बारे में ना सोचो तुम, ये जो कर्वेचर का सेंटर है ठीक, ये वाला जो पॉइंट है यहां पर रखा हुआ है एक चार्ज क्यू, रेडियस से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी आप रेडियस आर मान लीजिए। आप एक बार कैलकुलेट करने की कोशिश करिए नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस एस, ठीक है? आई होप आपने कर लिया। चलिए सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हम लोग दो इंपॉर्टेंट तरीकों से देख रहे होंगे कि आंसर क्या आएगा, ठीक? एक बार गॉस लॉ यूज कर रहे होंगे, एक बार गॉस लॉ यूज नहीं कर रहे होंगे, हम लोग एकदम बेसिक से सॉल्व करेंगे। दोनों ही प्रोसीजर आपको सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले थोड़ा सा डिटेल्ड वाला जो प्रोसीजर है उसको अपनाते हैं। ये चार्ज अगर क्यू है तो इसके वजह से यहां पर, यहां पर, यहां पर, इन सभी जगहों पर फ्लक्स देखना है और फ्लक्स को ऐड करना या इंटीग्रेट करना है। तो इस चार्ज क्यू के वजह से इस जगह पर आने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहां पर डीएस सरफेस इस डायरेक्शन में होगा, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बड़े आसानी से लिखा जा सकता है 1/4 πε₀ q/r², ठीक? तो फ्लक्स लिखना है अगर हमें, यानी डी फाई, वो लिखा जा सकता है ई का डॉट प्रोडक्ट डीएस के साथ, परफेक्ट। हमें लेकिन इंटीग्रेट करके टोटल फ्लक्स निकालना था, तो इंटीग्रेशन इज टू बी परफॉर्म्ड ओवर द सरफेस एस एंड दिस इज इट्स वेरिएबल रिप्रेजेंटेशन। ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन हुआ टोटल फ्लक्स का। यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात है ख्याल रखने के लिए कि यहां पर मैं सर्कल नहीं बनाया। सर्कल इसलिए नहीं बनाया क्योंकि ये जो सरफेस दिया हुआ है ये क्लोज्ड सरफेस नहीं है, ठीक? तो चलिए सॉल्व करते हैं। ये ई और ये डी एस, इन दोनों का ही मैग्नीट्यूड लिखना जरूरी है। ई का मैग्नीट्यूड, डीएस का मैग्नीट्यूड, और उसके बाद कॉस कितना डिग्री, तो आप कहीं पर भी देख लें। ज्यादातर बातें ऑलरेडी पिछले क्लास से डिस्कस्ड। डीएस इसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड को होना है, तो इस कारण से जो कॉस ऑफ एंगल आएगा दैट विल बी इक्वल टू 0 डिग्री। अगेन वी हैव इंटीग्रेशन ओवर सरफेस एस, तो कॉस 0 डिग्री बन गया 1। ई का मैग्नीट्यूड क्या पूरे सरफेस पर कांस्टेंट है क्या? तो हाँ, ये बिल्कुल कांस्टेंट है। और ई का मैग्नीट्यूड अगर इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा तो डीएस के मैग्नीट्यूड का इंटीग्रेशन कर देना, बस हमारा आंसर आ जाएगा। तो ई का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाई डीएस का इंटीग्रेशन अगर करेंगे तो 4πr² नहीं, केवल 2πr² आएगा। और ई का मैग्नीट्यूड अगर सब्स्टिट्यूट कर देते हो तो 1/4 πε₀ क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, और यहां पर लिखा हुआ था अलग से 2πr² आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, दिस गिव्स मी क्यू डिवाइडेड बाई 2 times ε₀। आई होप समझ सके आप। यहां पर मैं कोई शॉर्टकट, कोई सिमेट्री, कोई
इलॉजिकल बात नहीं अप्लाई किया हूं अभी तक, एकदम बेसिक से, जिससे कि गॉस लॉ खुद ही डिराइव होता है, एकदम बेसिक से निकाला हुआ ये रिजल्ट था अभी तक। इसी को हम लोग दूसरे प्रोसीजर से भी देखेंगे, और दूसरा प्रोसीजर भी सीखना सबके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आगे से हम लोग सेकेंड मेथड का ही यूज कर रहे होंगे। देखो, माना कि इस सरफेस से जो ई डॉट डी एस, ई डॉट डी एस, ई डॉट डी एस, ई डॉट डी एस, इन सभी जगहों पर ई डॉट डी एस का इंटीग्रेशन अगर करेंगे यानी सम करेंगे, तो जो आंसर आएगा, चलो मान लेते हैं कि इसका आंसर आएगा 5, ठीक, या 5 नॉट मान लेते हैं। चलो, लेट 5 नॉट बी द फ्लक्स एसोसिएटेड विद दिस सरफेस एस। तो अब क्या है कि क्या आप 5 नॉट को डायरेक्ट कैलकुलेट करने के लिए गॉस लॉ का डायरेक्ट एप्लीकेशन कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि गॉस लॉ सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल है क्लोज्ड सर्फेसेस के लिए। तो आप इस ओपन सरफेस के लिए गॉस लॉ के बारे में सोच भी नहीं सकते। हमें क्या करना होगा, यहां पर थोड़ा सा एक ट्रिक अप्लाई करना होगा। देखो कैसे, तो मान लो कि यहां पर एक दूसरा सरफेस भी इस तरह से है, एग्जिस्ट कर रहा है। वो आपके कैलकुलेशन का हिस्सा भले ना हो, लेकिन फिर भी मान लो कि ऐसे करके एक सरफेस है ठीक इसी के साइज का इधर अपोजिट साइड में। तो इस तरह से सरफेस अगर ये एस था तो ये एस डैश है मान लो। तो देखना जरा, ई डॉट डी एस यहां पर जो आएगा वही यहां पर भी ई डॉट डी एस आएगा कि नहीं? ई का मैग्नीट्यूड डी एस का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस 0 डिग्री, जितना यहां पर ई डॉट डी एस आएगा उतना ही यहां पर भी ई डॉट डी एस। ई डॉट डी एस का सम जितना इस सरफेस पर आएगा उतना ही इस सरफेस पर भी आना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस वाले कंस्ट्रक्शन वाले सरफेस पर भी आने वाला फ्लक्स फाइव नॉट ही होगा। तो टोटल फ्लक्स कितना हुआ, तो 2 फाइव नॉट। तो टोटल फ्लक्स निकालने का जरूरत क्यों पड़ रहा है हमें? हमें तो केवल एक पूछा गया था। हम लोग दोनों सरफेस को मिला के फ्लक्स इसलिए लिखे हैं ताकि ये क्लोज्ड बन जाए और गॉस लॉ यूज कर सके। ये टोटल क्लोज्ड बन जाएगा और उसके बाद फिर गॉस लॉ अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो डायरेक्ट लिखा जा सकता है क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। इस कारण से फाइव नॉट का वैल्यू जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर था, क्यू डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट फाइनल आंसर। आई होप आप सभी समझ सके। फोर्थ पार्ट है इसी के जैसा, तुम दोबारा से सिमेट्री वगैरह का इस्तेमाल करने की कोशिश करना। थर्ड पार्ट लिखिए क्वेश्चन का, नहीं फोर्थ पार्ट, कि इस बार क्या है, ये एक ऐसे बनाया हुआ कोन है, ऐसे ड्रॉ किया हुआ ये एक कोन है। और दोबारा से वही बात कि भाई इसका जो कर्व्ड सरफेस है उसी को मैं गिना हूं सिर्फ सरफेस एस के नाम के लिए। सरफेस एस किसे मैं बोल रहा हूं, तो ये जो कर्व्ड सरफेस ऐसे करके बना हुआ है वही है सरफेस एस। और इसका बेस क्या सरफेस एस नहीं है? नहीं है, ये टोपी के जैसा है, बर्थडे कैप वाला, मतलब कोन है ये, और बेस इसका खाली है। और जो ये कर्व्ड सरफेस है यही सरफेस का नाम रख दिया गया एस, चार्ज रखा है ठीक सेंटर पर यहां पर। तो इस चार्ज के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आया होगा सरफेस के प्रत्येक पॉइंट पर। आपको बताना है ई डॉट डी एस यानी कि फ्लक्स टोटल कितना है इस सरफेस एस से पेनिट्रेट करने वाले। कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, जस्ट एग्जैक्टली जस्ट लाइक प्रीवियस क्वेश्चन। माना कि फ्लक्स है फाइव नॉट, चाहे जो भी है आंसर, मान लेते हैं कि फाइव नॉट है वो आंसर। अब तुम एक कंस्ट्रक्शन करोगे इस तरह से, ठीक, ध्यान से सुनना मेरी बात, कुछ तो इंपॉर्टेंट यहां पर बता रहा हूं एकदम ध्यान से। अगर इस वाले कॉनिकल सरफेस पर फ्लक्स फाइव नॉट है तो हमने यहां पर कंस्ट्रक्शन में ठीक उसी के जैसा एक दूसरा कोन ड्रॉ किया। यहां पर हेमिस्फीयर भी बना सकते थे, यहां पर एक कोन छोटा सा भी बना सकते थे, बड़ा सा भी बना सकते थे, एटसेट्रा। लेकिन हम लोग ठीक उसी साइज का कोन इसलिए बनाए क्योंकि इस चार्ज के लिए, एकदम ध्यान से, क्योंकि इस चार्ज के लिए जैसा ऊपर वाला सरफेस एस है वैसा ही दूसरा सरफेस एस डैश है नीचे वाला। इस चार्ज के वजह से जो भी इफेक्ट आएगा इस सरफेस एस पर, एग्जैक्ट वही इफेक्ट आएगा सरफेस एस डैश पर भी।
ताकि हम लोग ये क्लेम कर सकें, ठीक वैसे का वैसा ही कोन हमने इसलिए बनाया है ताकि हम लोग ये क्लेम कर सकें कि जितना फ्लक्स इस वाले कोन से होगा एग्जैक्ट उतना ही फ्लक्स इस वाले कोन से भी होना ही है, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता, मान लो कि तुम एक ऐसा कोन ड्रॉ कर दिए होते कि ऊपर वाले का साइज ज्यादा नीचे वाले का साइज कम, तो ये डायरेक्ट मुझे समझाने में दिक्कत हुआ होता कि दोनों में फ्लक्स सेम होगा। शायद तुम ये कह सकते थे कि सर इसका एरिया कम है, हो सकता है फ्लक्स कम हो। हाँ, बात सही है कि होगा फ्लक्स दोनों में सेम तब भी, लेकिन समझ में आना थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा। तो हम लोग सिमेट्री का यूज कर सकें चार्ज के लिए, जैसा ऊपर सरफेस वैसा ही नीचे वाला सरफेस रह सके, चार्ज दोनों ही सरफेसेस को अनबायस्ड तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दे रहा हो। इसी कारण से हम लोगों ने एक दूसरा सरफेस आइडेंटिकल टू प्रीवियस सरफेस कंसिडर किया। यहां पर जो फ्लक्स है उसको भी फाइ नॉट ही होना पड़ेगा। जैसे जैसे यहाँ ई डॉट डी एस आएगा वैसे वैसे यहाँ भी ई डॉट डी एस आएगा ही। नाउ यूजिंग गॉस लॉ, तो क्या पहले डायरेक्ट बिना सरफेस बनाए गॉस लॉ नहीं लगा सकते थे क्या? नहीं लगा सकते थे। ऐसा इसलिए क्योंकि ये ओपन सरफेस बन गया था। गॉस लॉ इज एप्लीकेबल ओनली एंड ओनली फॉर बिल्कुल क्लोज्ड सरफेसेस। टू फाइ नॉट इक्वल्स टू क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, फाइनल आंसर फाइ नॉट इक्वल्स टू क्यू डिवाइडेड बाई टू एप्सिलॉन नॉट। इतना आसान होता है गॉस लॉ को डायरेक्ट अप्लाई करना, ठीक है। अभी एकदम बेसिक बातों को हम लोग सीख रहे हैं। थोड़ा सा अब और आपको सोचने पर मजबूर करता हूं। मैं क्वेश्चन में बार बार क्या दे रहा हूं, देखो मैं बार बार एक चार्ज दे रहा हूं और साथ में एक सरफेस दे रहा हूं। कई बार सरफेस ऑलरेडी क्लोज्ड था तो आप डायरेक्ट गॉस लॉ अप्लाई कर दिए, कई बार सरफेस क्लोज्ड नहीं था ओपन सरफेस था तो आप कुछ तो सिमेट्री का यूज करके उसको क्लोज किए पहले ताकि गॉस लॉ अप्लाई कर सकें, ठीक। इस रास्ते हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और फिफ्थ पार्ट फिर देखिए ध्यान से, थोड़ा सा कठिन है, सभी लोग शायद नहीं कर पाएंगे लेकिन घबराने की कोई बात नहीं। कोशिश सभी को करना चाहिए। देखने से लग रहा है ये कोई एक ट्रेपेजियम है लेकिन नहीं, ये एक स्क्वायर है जिसका कि साइड लेंथ L है। और ऐसा तब क्यों नजर आ रहा है ये स्क्वायर? तो ये स्क्वायर दरअसल बोर्ड के पीछे है इसका हाफ ऑफ द स्क्वायर और बोर्ड के फ्रंट में है रिमेनिंग हाफ ऑफ द स्क्वायर। कहने का मतलब ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में है तो दूर की चीज थोड़ी सी छोटी नजर आ रही है और ये नजदीक वाला साइड है, इस वजह से बड़ा साइज का नजर आ रहा है। ये थ्री डायमेंशन में व्यू है इसी एक स्क्वायर का, आई होप समझ पा रहे हैं आप। ये एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखा हुआ स्क्वायर है, ठीक। स्क्वायर का साइड लेंथ एल लिखा हुआ है। अब इसके अलावा फिर इस स्क्वायर के ठीक सेंटर से थोड़ी सी ऊंचाई पर, ठीक, यहां पर एक चार्ज्ड पार्टिकल रखा हुआ हवा में, ठीक है। ये चार्ज्ड पार्टिकल का चार्ज क्यू है और ये जो हॉरिजॉन्टल प्लेन से, हॉरिजॉन्टल सरफेस से जो ऊंचाई है इस चार्ज पार्टिकल की, सपोज ऐसे है सिचुएशन, देखो ये सिचुएशन है, माना ये एक नोटबुक है और थोड़ी देर के लिए मान लो कि ये परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक। ये स्क्वायर है अगर, तो इसका साइड लेंथ L, इसका भी साइड लेंथ L और इसका सेंटर यहां पर, इसके सेंटर से L बाई टू की ऊंचाई पर ऐसे करके एक चार्ज्ड पार्टिकल रखा हुआ, उसी का ये डायग्राम है, ठीक। तो अब ये जो ऊंचाई दी हुई है हॉरिजॉन्टल सरफेस से इस चार्ज्ड पार्टिकल की ऊंचाई दी हुई है वो L बाई टू है और यही है फिफ्थ पार्ट कि इस फ्लैट सरफेस से जो कि स्क्वायर के शेप का है हॉरिजॉन्टल, उसके ऊंचाई पर थोड़ा सा एक चार्ज रखा हुआ है अगर, तो बताना है इस सरफेस S से, यही है सरफेस S, इस सरफेस S से फ्लक्स कितना एसोसिएटेड होगा। पूरा समय लो, एकदम अच्छे से करो इस क्वेश्चन को। चलिए, कई लोग सोच भी पाए होंगे, ऐसे भी बुक में ही गॉस लॉ वाले चैप्टर में ऑब्जेक्टिव्स का क्वेश्चन नहीं, शायद एक्सरसाइज का या ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है, वहीं से लिया हुआ यह क्वेश्चन है।
ध्यान से सीखना कैसे बता रहा हूँ, और इसी से आपको समझ में आएगा कि गॉस लॉ कितना मजेदार चैप्टर होने वाला है आगे। साइड लेंथ एल था, एल बाई टू की ऊंचाई पर यह चार्ज रखा हुआ। मान लेते हैं कि इस वाले सरफेस से जो फ्लक्स होगा वो होगा फाई नॉट का, ठीक। इस सरफेस से फ्लक्स मान लेते हैं अगर फाई नॉट का, तो फिर ये इस बार हम लोगों का ऐसे करके रहेगा एक कंस्ट्रक्शन। अभी समझ में आएगा। ये हम लोगों के लिए कंस्ट्रक्शन है, शायद आप समझ पाए। मैं कोशिश करता हूं बताने की। जिस तरह से अभी मैं आपको एक नोटबुक से दिखाया था, ये ऑलरेडी एक सरफेस है, ये ऑलरेडी एक सरफेस है, और ये रहा एक चार्ज पार्टिकल यहाँ पर। तो ऐसे ही इमेजिन करो, ये चार्ज पार्टिकल अगर यहाँ पर रखा हुआ था तो इस चार्ज पार्टिकल के वजह से क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऐसे करके जा रहे होंगे नीचे की तरफ, उससे हमें फ्लक्स पता करना है इस सरफेस से। मान लेते हैं फ्लक्स है फाई का, तो अगर इस वाले सरफेस से फ्लक्स है फाई का तो इस वाले सरफेस से यहां पर फ्लक्स कितना होगा, समझो बात को। सिचुएशन क्या है कि जितना इस चार्ज के वजह से, इस हवा में मौजूद चार्ज के वजह से इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रहा होगा, तो इस डायरेक्शन में कोई खास बात तो है नहीं, तो ठीक वैसे ही उतना ही इस वाले फेस पर भी अगर सेम एरिया रहा तो इस वाले फेस पर ही उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रहा होगा, उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, उतना ही एरिया फ्लक्स यहाँ वाले सरफेस पर भी सेम ही होगा। तो करना क्या था कि जिस तरह से ये एक स्क्वायर सरफेस दिया हुआ था, उसी तरह से ऐसे एक स्क्वायर सरफेस मान लिए, ऐसे एक स्क्वायर सरफेस मान लिए, ऐसे एक स्क्वायर सरफेस मान लिए, ऐसे एक स्क्वायर सरफेस, और लास्ट में फिर ऐसे एक स्क्वायर सरफेस, और कुछ इस तरह से बनाना शुरू कर दिया हम लोग स्क्वायर सरफेसेस को कि ये कंप्लीट बन गया एक क्यूब। इस क्यूब का साइड लेंथ है एल, और उस क्यूब के ठीक सेंटर पर बन गया है ये चार्ज क्यू। तो जो बॉटम वाला सरफेस होगा फाई नॉट, जिससे फ्लक्स मान लिए थे हम लोग, उतना ही फ्लक्स इस वाले सरफेस से भी होगा, उतना ही फ्लक्स इस वाले सरफेस फाई नॉट, बैकग्राउंड वाला सरफेस फाई नॉट, यहां पर भी फाई नॉट इस वाले सरफेस से भी, और बच गया टॉप वाला सरफेस, उससे भी फ्लक्स फाई नॉट ही होगा। तो मैं बस ये कहना चाह रहा हूं कि एक सरफेस से फ्लक्स अगर फाई नॉट आप मान लेते हैं, तो चूंकि चार्ज पार्टिकल से बराबर दूरियों पर मौजूद टोटल 6 सरफेसेस हैं, सारे सरफेसेस का एरिया सेम, सारे सरफेसेस का डिस्टेंस इस चार्ज पार्टिकल से सेम, तो एक सरफेस से अगर फ्लक्स फाई नॉट होगा तो बाकी सभी तमाम सरफेसेस से फ्लक्स फाई नॉट ही होगा। लेकिन इतना करने का जरूरत क्यों पड़ा, क्यों नहीं हम लोग एक ही सरफेस से कर लिए? हम लोग गॉस लॉ नहीं यूज कर सकते थे एक ही सरफेस से, क्योंकि दिया हुआ क्वेश्चन में सरफेस ओपन सरफेस था, ये क्लोज्ड नहीं था। हमने उसी तरह के सरफेसेस को जोड़ के किसी तरह से करके इस क्यूब को कंप्लीट किया, ताकि सबसे पहले ये क्लोज्ड सरफेस में कन्वर्ट हो। अगर एक बार ये क्लोज्ड सरफेस में कन्वर्ट हो जाता है तो 6 टाइम्स फाई नॉट विल बी इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ये गॉस लॉ है, ज्यादा कुछ नहीं, ये गॉस लॉ है। गॉस लॉ का यूज करके हम लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। आई होप आप समझ सके, फाई नॉट का वैल्यू आ चुका है क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। तो ये क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व किया। और भी कई तरह के क्वेश्चन पॉसिबल हैं, जेई एडवांस्ड में पूछे हुए क्वेश्चंस भी हैं, आपको बुकलेट में लास्ट में आर्काइव में मिलेगा आईआईटी में पूछे हुए क्वेश्चंस का कलेक्शन। जेई एडवांस्ड का ये जो कंसेप्ट है ना, जेई एडवांस्ड का ये फेवरेट कंसेप्ट है, गॉस लॉ का एप्लीकेशन जेई एडवांस्ड का फेवरेट कंसेप्ट है। कई बार वो कंप्रहेंशन वाले क्वेश्चंस, जिसमें कि एक पैराग्राफ रहता है, तीन क्वेश्चंस रहते हैं एटसेट्रा, इस तरह के क्वेश्चंस कई बार मैट्रिक्स मैच के क्वेश्चन, पिछले बार भी एडवांस में पूछा हुआ क्वेश्चन था, तीन क्वेश्चन लगातार इसी पर दिया हुआ था, ठीक है। तो गॉस लॉ एक साधारण चीज नहीं है, बहुत ही गजब का ये मैथमेटिकल अप्रोच देता है आपको चीजों को समझने में। अभी एप्लीकेशन हम लोग सीखना शुरू नहीं किए हैं, अब वही सीखने जा रहे हैं, लेकिन तुम बुकलेट में ढूंढने की कोशिश करना, इस तरह से कई क्वेश्चंस मिलेंगे आपको,
ये एक्स एक्सिस है, यहां पर रखा हुआ है कोई तो एक चार्ज, चार्ज क्यू। अब ये चार्ज क्यू जो रखा हुआ है उसके अलावा फिर यहां पर ऐसे करके एक सरफेस है, और इस सरफेस में क्या खास बात है कि मैं बस क्वेश्चन बता रहा हूं कि किस तरह से है वो क्वेश्चन। अगर यहां का कोऑर्डिनेट लिखा हुआ है सपोज एल कॉमा जीरो, ये ओरिजिन है, ठीक, तो ऐसे करके एक सरफेस है, ये ऐसे करके एक्सटेंड कर रहा है इस तरफ, तो ये एक्सटेंड कहां से कहां तक कर रहा है, तो बोर्ड के पीछे माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी इस साइड तक, और यहां से यहां के बीच में फैला हुआ ये सरफेस था, ये ऐसे करके एक्सटेंड कर रहा था। ये ऊंचाई दी हुई है, कितनी दी हुई है आप खुद से सेट भी कर सकते हो, और क्वेश्चन में दिया हुआ आप ढूंढ भी सकते हो कि कहां पर है, पूछा हुआ क्वेश्चन है ये जेई एडवांस्ड में, कठिन क्वेश्चन है ये, इसमें एसोसिएटेड टोटल फ्लक्स निकालने के लिए पूछा गया था। टॉपिक का नाम लिखो। अच्छा, ऐसा भी हम लोग कर सकते हैं, करेंगे ही, कि गॉस लॉ पहले हम लोग एक बार थ्रू आउट चैप्टर का एक ओवरव्यू लेके, मतलब आसान आसान कॉन्सेप्ट्स, थोड़ा थोड़ा मॉडरेट लेवल के डिफिकल्टी वाले क्वेश्चंस को भी इंक्लूड करते हुए हम लोग डिस्कशन करके पहले पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर लें, और उसके बाद लास्ट में एक क्लास में या मैक्सिमम दो क्लासेस में हम लोग डिटेल में और ज्यादा डिफिकल्टी लेवल वाले क्वेश्चंस को, और जो जो बातें, मतलब सबटल बातें जो छूट जाएंगी उस पर डिस्कशन कर लेंगे, जैसा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पिछले चैप्टर में किए थे। खैर, टॉपिक का नाम लिखिए। हाँ, एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ, एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ। तो देखो, गॉस लॉ का यूज करके हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट कर सकते हैं। जो मैं बात बोल रहा हूं उसको बहुत ही ध्यान से सुनेंगे आप। गॉस लॉ का यूज करके आप इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट कर सकते हैं विथ प्रॉपर यूज ऑफ सिमेट्री। इसका क्या मतलब है हम लोग अलग अलग केसेस में समझेंगे उसे डिटेल में, लेकिन फिलहाल इस बात को आप नोट करिए। यूजिंग गॉस लॉ अलोंग विथ सिमेट्री इन अ गिवन सिचुएशन, यूजिंग गॉस लॉ अलोंग विथ सिमेट्री इन अ गिवन सिचुएशन, वी मे कैलकुलेट मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट, वी मे कैलकुलेट मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट। तो एप्लीकेशन में हम लोग थोड़ी देर के लिए थियोरी को आगे बढ़ा रहे हैं, क्वेश्चंस को रोक लिए हैं हम लोग, थियोरी थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगा, उसके बाद दोबारा से हम लोग सिर्फ क्वेश्चंस करना शुरू कर देंगे। पहला पॉइंट लिखिए इसी में, डिटर्मिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, आप पूरा लिखेंगे, डिटरमिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, किसी एक पॉइंट चार्ज के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे पता किया जाता है। ठीक, अच्छा ये तो जानते हैं हम लोग, तो ये क्यों अब हम लोग सीख रहे हैं, पॉइंट चार्ज के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, के क्यू बाई आर, नहीं के क्यू बाई आर स्क्वेयर, ये तो जानते ही हैं हम लोग, तो हम लोग सीख क्यों रहे हैं। तो देखो, हम लोगों का पर्पस दरअसल ये नहीं है कि पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है ये सीखें, हम लोगों का पर्पस ये है एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ को सीखना, किस तरह से गॉस लॉ का यूज करके आप एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट कर सकते हैं। समझिएगा ध्यान से, कंसिडर अ पॉइंट चार्ज एज शोन, और एक पॉइंट पी है जो कि आर डिस्टेंस पर है, और इस पॉइंट पी पर हमें कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड को। ठीक, तो हम लोग ये मान के चलेंगे कि गॉस लॉ सही है, हम लोग ये एज्यूम करेंगे कि गॉस लॉ सही है, और वहां से कूलॉम्स लॉ, के क्यू बाई आर स्क्वायर को कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे।
हाँ ये बात सही है कि गॉस लॉ का प्रूफ अगर ढूंढने की कोशिश करोगे वो कूलॉम्स लॉ में छिपा हुआ है। हम लोग उल्टा समझने की कोशिश कर रहे हैं, हमने मान लिया पहले कि गॉस लॉ सही है, उससे कूलॉम्स लॉ पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं ताकि दोनों के बीच का कनेक्शन और ज्यादा क्लियर हो सके। ये डायग्राम होगा सबके पास, आई होप। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, बस ध्यान से सुनते जाओ, नए तरह का कैलकुलेशन ही है, ऐसा कैलकुलेशन पहले किए नहीं होंगे। हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से एक कंस्ट्रक्शन बनाते हैं स्फीयर का। ये एक स्फीयर, निकालना कहां पर था इलेक्ट्रिक फील्ड, पी पॉइंट पर। जितने भी डिस्टेंस पर ये पी पॉइंट था चार्ज से, उतने ही रेडियस का एक स्फीयर इस तरह से कंस्ट्रक्ट किया जाता है, और इस स्फीयर को रेडी किया जा रहा है, गॉस लॉ इसी स्फीयर पर हम लोग अप्लाई करेंगे। ये स्फीयर बताओ कंडक्टिंग है कि नॉन कंडक्टिंग, तो ये जो स्फीयर है ये न तो कंडक्टिंग न तो नॉन कंडक्टिंग, ये दरअसल स्फीयर है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये हम लोगों का एक मैथमेटिकल कंस्ट्रक्शन है। जैसे ट्रायंगल में नहीं ड्रॉप करते हैं परपेंडिकुलर एल्टीट्यूड, वो रॉड थोड़ी ना होता है कोई, वो हम लोगों का एक मैथमेटिकल एजम्पशन होता है कि माना कि यहाँ पर कोई एक लाइन है। ठीक वैसे ही इस पॉइंट पी पर कैलकुलेट करने के लिए कहा गया था इलेक्ट्रिक फील्ड, ये चार्ज सच में एग्जिस्ट करता है, लेकिन ये हम लोगों का मैथमेटिकल कंस्ट्रक्शन है, इस पर अप्लाई किया जाने वाला है गॉस लॉ, इसलिए इस सरफेस को अक्सर कहा जाता है गॉसियन सरफेस। ठीक है, इसी सरफेस का नाम है गॉसियन सरफेस। एक ऐसा सरफेस जो सिमेट्रिकली बनाया गया हो, अभी समझ में आएगा क्यों इसे सिमेट्रिकली बोल रहे हैं, एक ऐसा सरफेस जिसे सिमेट्रिकली बनाया गया हो, जिस पर कि गॉस लॉ लगाने वाले हों हम लोग। ठीक, द सिमेट्रिकल सरफेस ऑन विच गॉसियन गॉस लॉ इज अप्लाइड इज नोन एज गॉसियन सरफेस। तो एक चार्ज क्यू है, डिस्टेंस आर पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, इस तरह से गॉसियन सरफेस कंस्ट्रक्ट किया जाता है सबसे पहले। अब इसके बाद फिर देखो, फ्रॉम सिमेट्री सिर्फ सिमेट्री मात्र का इस्तेमाल करके मैं दो बातों को क्लेम कर सकता हूं। देखो क्या क्या, ये पी पॉइंट है अगर, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ है, लेकिन अच्छा इस बात को भूल जाओ कि कूलॉम्ब लॉ कुछ होता है, हम लोग गॉस लॉ को सही मान रहे हैं, थोड़ा बहुत सिमेट्री का यूज करेंगे। गॉस लॉ को सही मानते हुए कूलॉम्स लॉ तक पहुंचना है हमें, हमें कोई आइडिया नहीं कूलॉम्स लॉ क्या होता है, कूलॉम्स लॉ को ही तो डिराइव करने जा रहे हैं। मेरा ये कहना है कि याद रखना इन दो बातों को, गॉसियन सरफेस था ये और हम लोग सिमेट्री का यूज करने जा रहे हैं। पहले एकदम ध्यान से सीखेंगे, एकदम फर्स्ट पॉइंट हम लोग सीख रहे हैं। पहले मानो कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर इस डायरेक्शन में है, मान लो मैं ऐसा कहता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, तो फिर देखो एक लॉजिक ये है कि अगर चार्ज से पी पॉइंट को अगर देखा जा रहा होगा तो पी पॉइंट इस डायरेक्शन में आएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसी तरफ क्यों हुआ, इस तरफ क्यों नहीं हुआ, मतलब इस वाले डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों होगा, इस वाले डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ यहां पर क्यों नहीं होगा, इसका कोई जवाब नहीं है। मतलब अगर आप इधर देख रहे हो तो जैसा आपके लिए ये डायरेक्शन वैसा ही तो ये भी डायरेक्शन, तो आपने इसी डायरेक्शन को क्यों चूज कर लिया, आपके पास कोई जवाब नहीं होगा। ये डायरेक्शन रोने लगेगा कि भाई हमारे तरफ क्यों नहीं रखा आपने इलेक्ट्रिक फील्ड, आपके पास कोई आर्ग्यूमेंट नहीं होगा। इसी वजह से आप न तो इसको प्रेफरेंस दे सकते हैं न तो इस डायरेक्शन को प्रेफरेंस दे सकते हैं, आपके पास एक ही ऑप्शन है कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड को इस तरफ रखिए। ये हमने अचानक से अभी यूज कर लिया सिमेट्री, मैं कूलॉम्स लॉ नहीं यूज किया, मैं सिमेट्री से कह सकता हूं कि इस भी डायरेक्शन को प्रेफरेंस नहीं दे सकते आप ना तो इस डायरेक्शन को प्रेफरेंस। भाई कोई ये कह सकता है कि नहीं हम टेंजेंशियल रखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो टेंजेंशियल रखिएगा तो इधर ही क्यों रखिएगा, इधर क्यों नहीं रखिएगा, समझ पा रहे होंगे मेरी बात आप शायद। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर इधर होता तो सिमेट्री वायलेट हो जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड के पास एकमात्र ऑप्शन यही है। तो सबसे पहली बात हम लोग क्या सीखे, सिमेट्री का इस्तेमाल करके, यूजिंग सिमेट्री, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट
ऑन एस, गॉसियन सरफेस एस इज रेडियल. रेडियल का मतलब रेडियस के डायरेक्शन में, रेडियस का डायरेक्शन ये है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर. अच्छा यहां पर अगर देखेंगे तो दोबारा से ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे नहीं हो सकता, एक ही ऑप्शन है कि रेडियली ऐसे करके ही होगा. इस तरह से हर जगह पर आप बता सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड वहां से सरफेस के बाहर के तरफ ही, परपेंडिकुलरली बाहर के तरफ ही होना चाहिए. यह आपने कैसे बताया? कूलम्स लॉ यूज करके? नहीं. गॉस लॉ यूज करके? नहीं. सिमेट्री से आपने बताया. दूसरी बात, अगर मानो कि यह पॉइंट पी है और यहां पर एक दूसरा पॉइंट है, सपोज क्यों नहीं मान रहे, आर है यह पॉइंट, सपोज आर भी नहीं मान रहे, एस तो मान ले, क्यों भी नहीं मान सकते, आर नहीं मान रहे क्योंकि रेडियस है, एस भी ले चुके हैं, यह सरफेस पी डैश है सपोज, ठीक. यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा वही मैग्नीट्यूड यहां पर भी होना चाहिए. हाँ डायरेक्शन अलग अलग होगा मानता हूं, लेकिन यहां पर भी मैग्नीट्यूड उतना ही होना चाहिए. मानो कि यहां पर का इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ई नॉट है, मैं कहता हूं यहां पर का इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड 2E0 है सपोज. तो भाई ये कौन सी बात हुई, चार्ज, एक चार्ज पार्टिकल है, वो पार्टिकल है उसके लिए जैसा ये डायरेक्शन वैसा ये डायरेक्शन वैसा ये डायरेक्शन, ऊपर नीचे उसके लिए कुछ होता नहीं है. हम लोग यूनिवर्स में बात कर रहे हैं, अर्थ भी नहीं है नजदीक में, ठीक. एक चार्ज्ड पार्टिकल है अगर यहां पर, तो उससे किसी भी डायरेक्शन में देखा जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड दूरी पर सिर्फ निर्भर करेगा. ये दूरी भी उतनी ही है जितना कि ये दूरी है, तो इस कारण से जितना यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा उतना ही यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होना ही चाहिए. ये बात दोबारा से हम लोग सिमेट्री का ही इस्तेमाल करके बोल रहे हैं, अभी तक गॉस लॉ कूलम्स लॉ कहीं पर भी नहीं आया. तो सेकेंड बात हम लोग ये कह सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट थ्रू आउट एस. सरफेस एस के किसी भी पॉइंट पर क्यों ना देख लिया जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बदलना नहीं चाहिए, डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड्स होना चाहिए. ये दोनों ही बातों को आपने यूजिंग सिमेट्री कहा है. और आगे जैसे जैसे हम लोग डिस्कशन कर रहे होंगे आपको यही समझ में आएगा बस कि चार्ज मैं दे दूंगा, आपको एक ऐसा सरफेस ढूंढना है ताकि ये दोनों सिमेट्रिकल बातों को आप स्टेट कर सकें, और एक्सपीरियंस ही सबको सिखाएगा फिर आपको. अब लिखिए, थ्योरी लिख रहे हैं हम लोग, क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं. ये यूजिंग सिमेट्री, ये दो स्टेटमेंट थे. आई होप ये दोनों स्टेटमेंट्स आपको क्लियर होंगे. आगे ढेरों हम लोग एप्लीकेशंस देखने वाले हैं, सब में नियम से ये दोनों रहेगा ही रहेगा, ज्यादातर में तो रहेगा ही. अब नेक्स्ट बात देखिए क्या है. अब लिखिए, नाउ यूजिंग गॉस लॉ ओवर द सरफेस एस, इस सरफेस एस पर इस्तेमाल किया जा रहा हो अगर गॉस लॉ, तो गॉस लॉ के मुताबिक इंटीग्रल क्लोज्ड वाला सरफेस एस पर ई डॉट डी एस कितना आएगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट आएगा, ठीक. अच्छा ई और डी एस के बीच का एंगल कितना होगा, अभी मैं आपको बताया कि चाहे कहीं भी सरफेस क्यों ना ले लिया जाए, रेडियली आउटवर्ड्स डीएस तो होता ही है बाय इट्स ओन डेफिनेशन, साथ ही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी यही होना है. ये वाले बात को हम लोग यूज कर रहे हैं कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेडियली आउटवर्ड्स मेजर्ड एट एनी पॉइंट ऑन दिस गिवन गॉसियन सरफेस. तो इस वजह से नेक्स्ट स्टेटमेंट तक हम लोग पहुंच सकते हैं. देखो क्या, दोबारा से इसी सरफेस एस पर सरफेस इंटीग्रल ई का मैग्नीट्यूड इंटू डीएस का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस 0 डिग्री. 0 डिग्री कहां से आया, आप इस पॉइंट का यूज किए हो. अगर आप सिमेट्री का यूज नहीं कर पाते तो यहां तक आप नहीं पहुंच सकते थे, आप कॉस 0 डिग्री नहीं लिख सकते थे. कई जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड डीएस के डायरेक्शन में होता, कई जगह पर नहीं भी हो सकता था. अच्छा इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो लिखा ही है, ठीक. अब देखिए नेक्स्ट बात क्या है.
इसको हटा देते हैं, इसका यूज हो चुका है। ये बस याद रख लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट यहां पर लिखा हुआ था। मैं क्या बोला, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, कॉस 0 डिग्री तो बन गया 1। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बाहर, पूरे क्लोज्ड सरफेस पर डीएस के मैग्नीट्यूड का इंटीग्रेशन अगर किया जाएगा तो क्या आएगा। तो याद रखना इस बात को जरा कि केवल डीएस वेक्टर यहां लिखा होता, पिछले क्लास में भी बताया हूं, अगर केवल यहां पर डीएस वेक्टर लिखा हुआ होता तो आंसर आता केवल डीएस का क्लोज्ड सरफेस पर इंटीग्रल 0 के बराबर। लेकिन यहां पर डीएस के मैग्नीट्यूड का इंटीग्रेशन चूंकि कर रहे हैं हम लोग, इस वजह से इस बार जो आंसर आएगा यहां का एरिया का मैग्नीट्यूड प्लस यहां के एरिया का मैग्नीट्यूड, यहां के एरिया का मैग्नीट्यूड, इन सभी एरियाज के मैग्नीट्यूड्स का सम, इसका वैल्यू आना है 4πr2। ठीक, क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, मतलब जिस भी बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो निकल के आया हमारे पास, देखो फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड आर डिस्टेंस पर इतना ही होता है कूलम्स लॉ के भी मुताबिक, हेंस वी डिराइव्ड कूलम्स लॉ ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज यूजिंग, hence we derived Coulomb's law due to point charge using, क्या यूज किए हम लोग इसको डिराइव करने के लिए, using पहली बात symmetry and Gauss law, ये दो बातों को हम लोग इस्तेमाल किए।